इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि यहाँ पर हम मैसेजेस को सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंड करते ही हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ था, मैसेज नोट सेंड, फ़ोन नंबर करेंटली जो है इनकम्प्लीट दिखाता है आपको। लेकिन जैसे यहाँ पर मैं सिम बदलता हूँ, ठीक है, और अब मैसेज करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ और दिखाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से कांट सेंड मैसेज विथ एयरटेल, तो यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ क्यों आता है हमें, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, दोनों ही आपको बताऊँगा, लेकिन मेन वाला जो है हमारा मेन टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पर जब हम मैसेज सेंड कर रहे हैं फर्स्ट वाले से, एयरटेल से, तो यहाँ पर इस तरीके से दिखाना और इसमें जो है आपको अलग तरीके से दिखाना, रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो मैसेज सेंड हो रहा है वो एक इनकरेक्ट नंबर पर जा रहा है, ये आपको क्लियरली बता रहा है, लेकिन एयरटेल सिम वाला आपको क्लियरली नहीं बता रहा है। क्लियरली क्यों नहीं बता रहा है, या तो एयरटेल के सिम में रिचार्ज ख़त्म है, या फिर ये इसी वजह से नहीं भेज पा रहा। आइडिया के सिम में, वीआई के सिम में, ठीक है, हमारा जो है ये दोनों ही चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिखा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नंबर पहले चेक करेंगे तो नंबर इनकरेक्ट है हमारा, लेकिन हम करेक्ट नंबर पर इसे सेंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि ये हमारा करेक्ट नंबर है, मैं यहाँ से इसे पहले सिम से भेजता हूँ तो ये प्रॉपरली चला जाता है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसे दूसरे सिम से भेजता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाएगा मैसेज नोट सेंड, ये भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाएगा। अब यहाँ पर हम हेलो फिर टाइप करते हैं और एक नंबर पर भेजते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी इसी तरीके से आपको दिखाएगा। तो आपको हमेशा ये करना है कि रिचार्ज आपने जो है अपने सिम में रखना है, एंड कभी भी जो है विदाउट SMS के रिचार्ज, बिना SMS के मैसेज सेंड नहीं कर सकते आप। और ज़रूरी ध्यान रखिए कि जो नंबर है वो फुल होना चाहिए, हाफ में नहीं होना चाहिए या इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है, फिर आपका मैसेज इजीली चला जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।